मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि NRA CET कराने जा रही है 2022 से। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया और PIB के हवाले से या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कार्मिक मंत्री हैं उनका बयान आया, मैंने दोनों चीज़ को एक्सप्लेन किया सुबह के वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो तय है कि NRA CET कराने जा रही है 2022 से, अर्ली 2022 से। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या RRC ग्रुप डी की परीक्षा 2022 में होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या RRC ग्रुप डी की परीक्षा CET के माध्यम से होगी। ये दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया है कि RRC ग्रुप डी की परीक्षा तिथि का ऐलान सितंबर के अंतिम सप्ताह में कर दिया जाएगा, एंड मच एक्सपेक्टेडली ऑन 25th ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स। और जहां तक RRC ग्रुप डी की परीक्षा की बात है, तो ये या तो इस साल या अगले साल होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि क्या RRC ग्रुप डी की परीक्षा NRA CET के माध्यम से कराएगी, तो बिल्कुल नहीं। इसके कई कारण हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण है कि इसका ऑलरेडी नोटिस निकल चुका है और ये नोटिफाइड वैकेंसी है। तो चूँकि नोटिस निकल चुका है और एक नोटिफाइड वैकेंसी है, तो ये CET के माध्यम से नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको समझना चाहिए कि इसका एक फिक्स्ड सिलेबस है, RRC ग्रुप डी का एक फिक्स्ड सिलेबस है और ये 2.5 साल से लंबित है। ऐसे में क्योंकि CET का कोई भी सिलेबस अभी तैयार नहीं किया गया है, कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई है, ऐसे में बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा नाराज़गी होगी यदि CET के माध्यम से इसे कराया जाता है। तो ऐसी कोई संभावना है ही नहीं कि CET के माध्यम से होगा, ये आपकी अलग से परीक्षा होगी, चाहे वो इस साल हो या अगले साल हो। जहाँ तक तीसरी सबसे बड़ी बात है कि RRC ग्रुप डी की जो परीक्षा है और जो वैकेंसी है, ये एक सर्टेन वैकेंसी है 1 लाख की, और ये एक फिक्स्ड वैकेंसी है, तो ये CET के माध्यम से नहीं होने जा रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इस चीज़ को आप क्लियर कर दीजिए, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब यही बात है इंग्लिश में, माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी फाइन। माई डियर स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स वॉन्ट्स टू नो दैट सर NRA is going to conduct CET from early 2022. What about RRC Group D? Will it take place under CET? No, of course no. It is a notified vacancy. It is a vacancy with a fixed syllabus. So it is impossible to conduct under CET, or it is impossible that NRA will conduct these vacancies, these high amount of vacancies, that is about 1 lakh vacancies under CET. So it is 100% sure that your RRC Group D exam, either it will be conducted this year or will be conducted in 2022, it will be conducted separately, not under CET. Is it clear? So please subscribe, like and share this channel, because this is the channel which gives you real and authentic news. Thank you.